हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए रीडिंग लिख रही हूँ कि काली माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है वो हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? आपकी लाइफ में काली माँ क्या कुछ देना चाहती है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? हमारे पास दो पाइल चाहिए। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल को चुना है उसकी हम रीडिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडेंस, और ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए रीडिंग होने वाली है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, नेक्स्ट 6 मंथ। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? जैसे आप मेरी थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, इसी तरह से इसको भी लाइक कीजिएगा। देखिए, मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो साइकिल चल रही है अभी फिलहाल, जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है? और आपने बहुत ज्यादा लेसन लर्न किए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की मल्टीपल साइकिल चल रही हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उसमें फंसे हुए हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से जो है इससे निकला जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं 999 के माध्यम से कि ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है। 1 या 2 मंथ में आपकी ये साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है अभी समय बाकी है, बाकी सब कुछ ठीक हो गया है आपकी लाइफ में, बाकी अभी कंप्लीशन नजदीक आ गई है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में सब कुछ बेटर होगा। काली माँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ट्विन को और आपको जो आपको 5D में पता चलेगी, यानी कि आपको 5D में आपको ये महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है? कुछ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 11-11 अगर आपको दिखती हैं तो ये ट्विन फ्लेम नंबर भी हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो आपकी चल रही है अभी। आप सही पाथ पर हैं, आगे बढ़ते जाइए, ये कहा जा रहा है। अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा हाई करिए, यानी कि लो वाइब्रेशन से बाहर निकलिए। आपके आसपास काफी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप उससे थोड़ा बाहर निकलिए। आप अपने माइंड में थोड़ा सा जो है पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव ना सोचिए, और अपनी लाइफ में पीस और हार्मनी लेकर आए। आपके थॉट्स जो, उन पर ध्यान दीजिए कि आप कैसी सोच रखती हैं, ठीक है? दूसरों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए। आप जो दूसरों के साथ बात करती हैं उससे दूसरे भी जो है काफी प्रभावित होते हैं, इसलिए यूनिवर्स ये कह रहे कि थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए। काफी नेगेटिव हो गई हैं क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी पेनफुल साइकिल चल रही थी, तो आपको सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देता है। इसीलिए आप जो है अभी ऐसे ढर्रे पर चलना शुरू कर दिया आपने कि सब मेरे साथ बुराई करती है, सब मुझे धोखा ही देती है, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। इस तरह की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही कि सिचुएशन आपकी बनती जा रही है, ठीक है? इसलिए यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं और क्या मैसेज है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप लव को डिजर्व करते हैं, आपको प्यार जरूर मिलेगा, ठीक है? ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने लाइफ में प्यार लेकर आइए, थोड़ा प्लेफुल की एनर्जी में रहिए, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ में थोड़ा हंसी मजाक करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन करिए। आप क्या चाहते हैं, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को खुशी दीजिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पास्ट पर्सन जो है वो आपके पास आ रहे हैं, आपके एक्स पार्टनर जो है वो आपके साथ में आना चाह रहे हैं, रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड भी रिकन्सिलेशन का ये आया है, ठीक है? वो पास्ट से जो है आपके पास आना चाह रहे हैं। हो सकता है अभी नो कांटेक्ट चल रहा हो, नो कम्युनिकेशन जोन चल रहा हो आप लोगों का, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस पे हो अभी फिलहाल तो, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग साथ में आएंगे, ठीक है? तो आप अपने दिल की बात उनको कहिए, उनकी दिल की बात को आप सुनने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आप थोड़ा सा उनसे हंसी मजाक करिए, अच्छी ड्रेसिंग सेंस में रहिए, ठीक है? अच्छे थॉट्स रखिए और पॉजिटिव सोचिए, थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करिए। जिस नेगेटिविटी से आप घिरे हुए हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना सीखिए, ठीक है? और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट, ये आपका सोलमेट है, ठीक है? तो ये जो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पार्टनर जो सिंगल है उनकी तरफ भी आ रहे हैं, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि
अगर पास्ट में बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उनको माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन का भी है कि रिकन्सिलेशन आपसे करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो थोड़ा सा प्यार लेकर आइए, जैसे स्टार्टिंग में बबल फेज में होते हैं लोग, इसी तरह से हंसी खुशी से अपना टाइम पास करिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ बुरे अध्याय थे, यानी कि बहुत बुरी फेज से आप गुजरे हैं। यूनिवर्स मतलब माँ काली ऐसा कहना चाहती है कि अभी आपकी लाइफ में एक अच्छा जो है टाइम आ रहा है, एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लीशन नजदीक है आपकी साइकिल का, जो पेनफुल साइकिल चल रही थी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको दुख क्यों होते हैं, आप किसी परिस्थिति को फेस करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है आप ब्रेकअप से गुजरे हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि दूसरा बंदा भी आएगा वो मुझे इतना ही दुख देगा, ठीक है। और अगर आपके एक्स पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं वो देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप उस पर्सन को फेस नहीं करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि ये पर्सन मुझे फिर से दुख देगा, ये पर्सन जो है मेरी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, उसको ले आती हैं, तो आपको दुख नहीं होंगे, वरना आपकी सिचुएशन ऐसी रहेगी कि मुझे तो बार बार ये हर्ट कर रहा है, मुझे तो बार बार दुख दे रहा है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन आपको जो है फेस करनी पड़ रही है, तो आप ये सोचिए कि ये पर्सन मेरे लिए ही भगवान ने भेजा है, और उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है ये पर्सन। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन में पहले वाली आदत नहीं रही है, धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके हेल्थ इश्यू हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा पूजा पाठ करिए, ठीक है, मंत्रा वगैरह चैंटिंग करिए, और अगर आप साई बाबा की पूजा करते हैं तो वो कर सकते हैं, काली माँ की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, काली माँ आपको यही कहना चाह रही है कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मैं सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक कर दूंगी। आपका जो बुरा फेज था वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर नेक्स्ट आपके लिए, आपने जो अभी तक धर्म पुण्य किया है, ठीक है, मतलब जो दान दक्षिणा दी है, जो भी पूजा पाठ किया है, उसका जो है आपको फल मिलने जा रहा है, आप सही पाथ पर है, आगे बढ़ते जाइए, ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, ठीक है। देखिए एक तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप जो भी किसी के लिए कर सकते हैं वो करिए, दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए, किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं नॉलेज दे करके, तो वो करिए। यहां पर ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर भी ट्रस्ट करिए, दूसरों के ऊपर भी ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। सभी के अंदर भगवान है, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरों के अंदर भी जो है भगवान को देखिए, और उनके साथ में सही तरीके से ट्रीट करिए, थोड़ा सा शांत रहना सीखिए, ठीक है। और यहाँ पर राधा माँ कह रही हैं कि यहाँ पर कुछ लोग टिन फिल्म जर्नी पर हैं गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में लेकर आइए। अगर आपके एक्स पार्टनर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर आपको लगता है कि ये हम टिन फिल्म जर्नी पर हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए, ठीक है। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हार्मनी और पीस लेकर आइए, यहां पर राधा माँ यही कह रही है, ठीक है। देखिए कोई फ्रेंड भी आपका बन सकता है, अगर आपके फ्रेंड ऐसे ही हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप उनसे बात करिए, उनके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनसे डिस्कस करिए किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। या फिर कोई आपको ऐसा फ्रेंड मिल सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। यहां पर ये भी कहा जा रहा है थोड़ा सा बुक से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, जितना आप बुक से कनेक्ट होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। या तो आप कोई कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज गेन करिए, और कोई गूगल से सर्च करिए, यूट्यूब से सर्च करिए, बुक्स से पढ़िए, यहां पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा बुक से कनेक्ट होइए और उनसे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है, कुछ नया करिए, थोड़े नॉलेज गेन करिए, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। कोई जैसा चल रहा है उसके हिसाब से चलने की कोशिश मत करिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, ठीक है। किसी के देखा देखी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप अपना ज्ञान जो है बढ़ाइए, और जितना आप ज्ञान बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि टैरो रीडिंग करते हैं, अगर आप टैरो रीडिंग करते हैं कुछ ना कुछ तो माँ काली जो है वो आपको गाइडेंस देना चाहती है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है अपनी पावर
का सही तरीके से यूज करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर का सही तरीके से यूज करिए, जो करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उसके उसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग आप चलिए और आगे बढ़िए। यानी कि मुझे यहाँ पर यूनिवर्स का यही संदेश मिल रहा है कि जो भी आपके अंदर पावर है उसको समझने की कोशिश करिए, पहचानिए और वो क्या बताना चाहता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप टैरो सीखना चाहती हैं तो वो भी जो है आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिवेट होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है। आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज करने की जरूरत है। वैसे सभी के लिए इतनी ज्यादा अबंडेंस यूनिवर्स देता है कि वो अपनी विशेष को फुलफिल कर सकते हैं, तो आपके लाइफ में भी अबंडेंस आएगी, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या माँ काली संदेश देना चाहती है। क्या नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए अपने लाइफ से कुछ सीखिए। आप शायद कोई काम पहले करते थे, या हो सकता है कि आप टीचिंग करती हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर बुक्स ही बुक्स नजर आ रही हैं गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा बुक से सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा बुक से कनेक्ट होने की जरूरत है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब दूर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप अभी बहुत ज्यादा टेंशन में है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। को माँ काली सपोर्ट कर रही है, अपने फियर्स को फेस करिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशी आएंगी, आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, पहले शायद आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें रही हैं लेकिन अभी आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, माँ काली ऐसे आपको कह रही है, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। जो कभी आप विश मांगा करते थे यूनिवर्स से, जो आप तारों से कभी विश मांगा करते थे, जो आप पूजा पाठ करते तब कोई विश मांगते थे, आप कोई कैंडल मैजिक करते थे तो उसमें भी आपने विश मांगी है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपको जो है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ और जब ये आपकी विश फुलफिल हो जाए तो आप ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें यूनिवर्स का, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये सब कुछ दे रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए मैं देखूं, हो सके तो आपको दूध का दान करना। देखिए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं, मैंने बताया आपके सोलमेट आ रहे हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा आपकी लाइफ में। ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, बार बार अबंडेंस के कार्ड आ रहे हैं, आपकी लाइफ ब्लॉसम करेगी, आपकी लाइफ में खुशी आएंगी। अभी थोड़ा सा प्लानिंग बना रहे हैं, प्लानिंग बना करके आपकी लाइफ में धीरे धीरे एंटर करेंगे और एक केयरिंग कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके एंगेजमेंट मैरिज होने की मुझे संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है। और पास्ट में आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ था तो उससे वो बाहर निकलेंगे और आपके साथ में एक केयरिंग कनेक्शन बनाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा इसमें, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में रोमांस भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस जर्नी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ ही, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो ब्रेकअप हो गया था तब चले गए थे, वही पर्सन कुछ लोगों के वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी आ रहा है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अभी उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था पीछे, दिल टूट रहा था एक दूसरे का, तो वही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसकी हम रीडिंग देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या खुशियां आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स मंथ में माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ठीक है। विजडम वेकअप कॉल, न्यू डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। देखिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, आप अपने ट्विन फ्लेम से कम्युनिकेट करिए, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं उनसे इंटीमेट लेवल तक की बात करिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, यू हैव टेकन द प्रॉपर स्टेप्स ऑन योर हीलिंग जर्नी विच अश्योर सक्सेस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई हो, आप सही अपने रास्ते पर बढ़ रहे हैं, सही पाथ पर हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा कोई क्रिएटिव वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने टाइम और एनर्जी उस पर फोकस करिए और आपको पावर मिलेगी, आप अपने पावर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप एक पावरफुल पर्सन बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेना है और जैसा आपको रास्ता दिखाया जा रहा है वैसे उसी रास्ते पर आगे बढ़िए कि नॉलेज बढ़ेगी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी बोला जा रहा है और अपने ट्विन फ्लेम से बात करिए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है।
माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए, आपकी लाइफ में कुछ रिलीजियस फैक्टर हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं, हो सकता है कि कास्ट रिलीजन इश्यू हो सकती हैं। रेड फ्लैग्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, आपके रिलेशनशिप को खतरा लग रहा है मुझे यहाँ पर, ये यह दिखाई दे रहा है। इसलिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, वरना आपका रिलेशनशिप खतरे में पड़ सकता है, यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास में है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप माफ करके आगे बढ़िए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। योर विश इज ग्रांटेड, आपकी विश जरूर पूरी होगी। यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है कि अभी तक आप अपने पार्टनर को मांग रहे थे, जो भी आप अपनी लाइफ में खुशियां चाहते थे वो आपको खुशियां जरूर मिलेगी। अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए, यहां पर ये यह कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने में अपना टाइम ज्यादा खराब कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा जो है अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आपको जो है एक ऐसे शांत जगह पर आप बैठ जाइए और मेडिटेशन करिए, ताकि आपको अंदर ही सारी चीजों के आंसर मिल जाएं, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चाहते हैं। आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि आपके घर में कोई बेबी बर्थ ले सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, उसकी बात चल सकती है, वो शादी हो सकती है आपकी, या फिर ऑलरेडी मैरिड है और आपके बच्चे बड़े हैं तो आपके बच्चों की शादी हो सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कोई ना कोई तो ऐसा आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में बहुत गलत सोचते रहते हैं। हो सकता है कि उस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपका एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ खराब रहा है, तो आप बार बार आप यही सोचते हैं कि ये पर्सन अभी भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, ये पर्सन कभी बदल नहीं सकता है। तो गाइज, मैं बता देना चाहती हूँ कि माँ काली आपको ये कहना चाहती है कि जो धारणाएं आपने बना रखी है, जो अनुमान आपने लगा रखी है, उनको आप जो भी अपने आप से दूर करिए। अब उस टाइप की एनर्जी को अपने आप से दूर कर लिए और पॉजिटिव सोचिए, किसी के बारे में बार बार ऐसा ना सोचिए, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसान खराब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि कभी कभी आप लोग किसी चीज को स्वीकार नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपको दुख फील होता है, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर एफर्ट्स लगा भी रहा है अगर कुछ ठीक करने के लिए, और आपके मन में तो यही है कि बंदा फिर से मुझे धोखा देगा, ये मुझे चीट करेगा, ये मेरे साथ ये करेगा, मेरे साथ वो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि बार बार आप उसी चीज को मत दोहराइए, ठीक है, और आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को या फिर उस परिस्थिति को, ठीक है, इसीलिए आपको दुख होता है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे साथ में ठीक से बिहेव नहीं करता है, सब कोई मेरे को गलत समझते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अंदर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करवाई जा रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये यह दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा सा जो है अपने आप में पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, ठीक है, और दूसरों की मदद करिए, यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है, ठीक है। आपके पास कोई गिफ्ट है, यूनिवर्स ने आपको कोई गिफ्ट देकर भेजी है, आप उसको जो है दूसरों के लिए यूज करिए, और जो है यूनिवर्स जो चाहता है उसी अकॉर्डिंग काम करिए, और प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो आपको जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, जो भी आपको डिफिकल्टी लग रही है उसमें भी आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आप जो है हायर सेल्फ की मेडिटेशन भी कर सकती हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चंस का आंसर भी जान सकती हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है दूसरों के लिए कुछ काम करिए, जो आप काम करने के लिए इस पर आए हैं। देखिए, जैसे गौतम बुद्धा ने ज्ञान दिया था लोगों को, ठीक है, सही रास्ता दिखाया था, इसी तरह से आप भी लोगों को ज्ञान दीजिए, ठीक है, और आपकी जो इनर वॉइस जो बोल रही है करने के लिए काम, वो करिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दूसरों की मदद करिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की जरूरत है, फर्स्ट फाइल में भी आया था, ठीक है। देखिए, मेडिटेशन करिए, अगर
आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आपके अंदर जो स्मृति दब गई है पास्ट में, हो सकता है आपने कोई काम किया हो या फिर करना चाहते हो, पास्ट लाइफ में आपने किया हो काम भी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी आप जो है आप उसे घबरा रहे हैं कि मैं कैसे करूंगा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए और अपने अंदर से वो ज्ञान निकालिए बाहर जो आप लिए बैठे हैं। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास में, ठीक है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, उसी से ही आपकी लाइफ में खुशी आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। यहां पर ये फर्स्ट फाइल में भी निकला था कार्ड, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि ज्ञान ज्ञान ग्रहण करिए, ठीक है, चाहे आप YouTube पर सुनिए, चाहे आप Google से सर्च करिए, चाहे आप बुक्स पढ़िए, लेकिन ज्ञान ज्ञान अपना जो है बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। यहां पर ये कहा जा रहा है गिव लव, ठीक है, एक दूसरे को प्यार दीजिए, अपने पार्टनर को प्यार दीजिए और आपके साथ में वो भी प्यार से रहेंगे, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मून का इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है न्यू मून और फुल मून के दिन कुछ रिचुअल कर सकती हैं और आपकी लाइफ, या फिर आप कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है गाइस, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तो रिचुअल आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट में देखूं अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी काम, ठीक है, या किसी चीज का आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो आप एंजल से मदद ले सकते हैं। एक शांत एनवायरनमेंट में बैठ जाइए और अलग से एक स्पेस बना लीजिए और मेडिटेशन करिए और एंजल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए ताकि उनसे आप हेल्प ले सके, ठीक है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि अभी आप जो है जिस भी काम में हाथ डालेंगे आपको उसमें सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप अपने काम में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए कुछ, ठीक है, और अपनी लाइफ में भी खुशियां लाने की कोशिश कीजिए। इस जर्नी के लिए तैयार हो जाइए, आगे की जर्नी आपकी शुरू हो रही है। अगर आप अदर कंट्री अदर स्टेट जाना चाहते हैं तो भी आप जो है जा सकते हैं, यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप वीजा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइज अभी आपकी नॉलेज बढ़ाने का टाइम है और काली माँ आपको यही कह रही है कि भाई थोड़ा सा जो है अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है, आप तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशी आएगी। ये जो आपका सोल का पर्पज मुझे नजर आ रहा है कि आपकी सोल का पर्पज है और इसी अकॉर्डिंग जो है आप काम करेंगे तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और सब कुछ आपके लिए बेटर होगा। आपकी लव लाइफ के लिए मैं देखूं, एक्शन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, एनर्जी को बैलेंस करके एक्शन लेने की जरूरत है। थोड़े दुश्मनों से सावधान रहिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपके कुछ दुश्मन भी हैं जो आपका बार बार दिल तोड़वा देते हैं, आप दोनों पार्टनर जो है लड़ाई झगड़ा कर देती हैं, उसकी वजह से आपका दिल टूटता है। थोड़े से दुश्मन है आपके जो आपके आसपास ही हैं, उनकी वजह से आपका दिल टूटता है और फिर आप लोग सेपरेट हो जाते होंगे, नो कॉन्टेक्ट में चले जाते होंगे और नो कम्युनिकेशन जोन में चले जाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हील करके आगे बढ़ने की कहा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि अभी भी आपकी लाइफ में कोई टावर आया हो या आने की संभावना मुझे नजर आ रही है, आगे कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी लाइफ में एक टावर तो आएगा क्योंकि आपके दुश्मन कम नहीं है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, सारे कार्ड मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, कुछ लोग सोलमेट हैं, आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हैं या डिवाइन मेस्कुलिन भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फिर से टावर आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है और फिर से आपकी हीलिंग होगी। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ बार बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये साइकिल जो है उसका एंड है। 10 नंबर का कार्ड है, ये साइकिल की एंड होगी। आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आगे बढ़ते जाइए। रेनबो आप अपने फोन पर वॉलपेपर लगा सकते हैं रेनबो का, उसको देखिए, ठीक है। आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और आप जो है मून के रिचुअल कर सकती हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी लेकिन थोड़ी ये फेज अभी बाकी है, ठीक है। ये साइकिल जो आपकी चल रही थी अभी तक ये कंप्लीट होने जा रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9, 10 इस टाइप के नंबर दिखाई दे रहे हैं, 10, 10, 9, ठीक है। तो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप, ठीक है, अभी आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, ऐसा नहीं है। देखिए बॉटम में है एनवी, कुछ है आपके दुश्मन है जो आपको बार बार चैलेंज दे रही हैं, बार बार आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं, तो आप उनका थोड़ा सा सामना करिए, अपने आप को हील करिए, फिर आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में रोमांस जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, ठीक है। वो आपको काफी एडमायर करती हैं, ठीक है।
देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी अवेकनिंग चल रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, बहुत फास्ट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एकदम से फास्ट होगी 6 मंथ के अंदर अंदर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप कोई मोटिवेशन स्पीकर हो सकती हैं और आप काफी डेडिकेटेड रहती है अपने काम के प्रति। अभी आपको ये कहा जा रहा है कि आप लीडरशिप रोल में आ जाइए, स्पॉटलाइट में आइए, पब्लिक स्पीकर बन सकती हैं, आपको लोग पहचानेंगे, आपको नेम फेम सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो वो करिए, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो वो करिए, अपनी स्किल को पॉलिश करिए। अपनी स्किल को जितना पॉलिश करेंगे उतना ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, स्पॉटलाइट में आएंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, रिवार्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली आपको रिवार्ड देगी। लेकिन आप डर रहे हैं कि मैं कैसे करूं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा आशीर्वाद मेरा सपोर्ट आपके साथ में है, क्योंकि आपको पास्ट में काफी बुरा एक्सपीरियंस मिला है, आपके जॉब कैरियर में भी लोगों ने आपके साथ में बहुत धोखा किया है, आप काफी लॉयल रहे हैं, आप जो है जो भी काम करते हैं ना बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ में धोखा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था पास्ट में, इसी वजह से जो है आप डर जाती हैं कि आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ फिर से ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो भी प्लान बनाती हैं उसको किसी को बताना नहीं है, ठीक है, आप जो है चुपचाप चुपचाप प्लान बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए, तो आपको रिकॉग्निशन रिवार्ड मिलेगी। परफेक्ट टाइम का वेट करिए और सब कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है। आप सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, नए दोस्त बन सकते हैं, आप लोगों के एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, आपके घर में बेबी बर्थ ले सकता है, ठीक है, आप कोई फंक्शन पार्टी अटेंड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप उसमें काफी इंजॉय करें, बॉटम ऑफ द डेक है, फोर ऑफ वेंड्स, आप लोगों की मैरिज होने की संभावना दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की जो सिंगल हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, नेक्स्ट लेवल तक आपका रिलेशनशिप जाएगा। अभी तक आपको अगर आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया था पूरी तरह से, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी वो दुनिया को बताएंगे कि मेरा पार्टनर है, हो सकता है पहले वो ऐसा नहीं करते हों, अभी आपको फैमिली मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपका अपना घर मिलेगा, जो अभी तक हो सकता है आपका अपना घर नहीं हो, आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मुझे यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आप सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसके प्लानिंग के साथ में काम करिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। प्लानिंग के बारे में किसी को मत बताइए, चुपचाप अपना काम करिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी सेकंड पाइल, आई होप गाइज रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।